मैं हिंदू धर्म पे बहस करने के लिए तैयार हूँ। बुलाइए किसी भी आरएसएस के प्रकांड पंडित को, मैं उससे बहस करना चाहता हूँ। सन्यासी किसको कहते हैं? सन्यासी कहते हैं जो गृहस्थ धर्म को त्याग देता है। योगी जी का ओरिजिनल घर जानते हैं कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वहां जंगल है, तो ये जंगल और पहाड़ से कहाँ आ गए? लखनऊ। कि हर पीला चीज सोना नहीं होता और हर भगवा पहना इंसान संत नहीं होता है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? राम के नाम पर अपनी कुर्सी और अपना दुकान चला रहे हो। जिसको आप योगी समझ रहे हैं वो ढोंगी है, कंप्लीट ढोंगी है। और इसको मैं प्रूव कर सकता हूं कि ढोंगी कैसे है। सन्यासी किसको कहते हैं? मैं हिंदू धर्म पे बहस करने के लिए तैयार हूं। बुलाइए किसी भी आरएसएस के प्रकांड पंडित को, मैं उससे बहस करना चाहता हूं। वो करे हमसे हिंदुइज्म की बहस। किस पे बहस करना चाहता है? रामचरितमानस पे, गीता पे, किस पे बहस करना चाहता है? सन्यासी किसको कहते हैं? सन्यासी कहते हैं जो गृहस्थ धर्म को त्याग देता है, उसको सन्यासी कहते हैं ना। वो सांसारिक सुख को त्याग देता है, उसको योगी कहते हैं। भगवान राम अपने सौतेले भाई के लिए, पिता के वचन के लिए, सौतेली मां के लिए अयोध्या का राजपाट छोड़ करके कहां चले गए? जंगल। योगी जी का ओरिजिनल घर जानते हैं कहां है? उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वहां जंगल है, तो ये जंगल और पहाड़ से कहां आ गए? लखनऊ। इसको समझिए आप कि हर पीला चीज सोना नहीं होता और हर भगवा पहना इंसान संत नहीं होता है। दंगाई हैं ये लोग, दंगाई हैं। और इनके विचार आप सुनिए। ये जो ढोंगी हैं, इन्होंने एक सेना बनाई। अब देखिए हिंदू धर्म को कितना बदनाम कर रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी, ये हमारे धर्म का अपमान है। हमारे धर्म में तमाम तरह की व्यवस्था अपने आप की गई है, सबसे पहला बात। और जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये मूल बात है। तो कोई अगर अत्याचारी है, पापी है, उसका सजा भगवान देंगे? तुमको टेंडर कब मिला बे? कब बोले राम जी? बताओ हमको, कौन सा तुमको फैक्स आया है कि हमको बड़ा तकलीफ हो रहा है, हमारा घर बना दो? तुम राम का घर बनाओगे हैं? अपना उपाय नहीं, अपनी कुर्सी के लिए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपने गली चौक चौराहों पे बांह फैला के घूमने के लिए तुम हमारे भगवा रंग का बदनाम कर रहे हो? तुम हमारे राम का अपमान कर रहे हो? क्या होता है भगवा रंग? भगवा रंग इस देश में वीरता का प्रतीक है, कायरता का प्रतीक नहीं है। भगवा रंग इस देश में लोगों को बचाने का प्रतीक है, लोगों को मारने का प्रतीक नहीं है। भगवा रंग इस देश में साहूजी महाराज का रंग है, छत्रपति शिवाजी महाराज का रंग है, तुकाराम का, संत तुकाराम का रंग है। और तो और, यहां कुछ बौद्ध भिक्षु बैठे हुए हैं, बौद्ध भिक्षुओं का छीवर का रंग भगवा होता है, जो शांति और अहिंसा की बात करते हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो? राम के नाम पर अपनी कुर्सी और अपना दुकान चला रहे हो। एक बात हमको बताइए, ये रामचरितमानस की बात करते हैं, मैं रामचरितमानस पढ़ा हूं। रामचरितमानस में एक दर्जन से ज्यादा शब्द उर्दू के हैं। गरीब नवाज शब्द रामचरितमानस में लिखा हुआ है। और उर्दू जो है वो हिंदुस्तान की भाषा है, वो अरब की भाषा नहीं है। हिंदुस्तान में ही उर्दू बोली जाती है। रामचरितमानस जो है उसमें एक पंक्ति लिखी हुई है तुलसीदास की। हालांकि तुलसीदास ने कुछ गलत बात भी लिखा है, जिसका हम खुले तौर पे जो है समर्थन नहीं करते हैं, विरोध करते हैं उसका। रामचरितमानस में लिखा है, रावण रथी विरथि रघुवीरा। रावण रथ पर है और भगवान श्री राम पैदल चल रहे हैं। अभी बंगाल के हाई कोर्ट से रथ यात्रा निकालने का परमिशन किसको मिला है? राम जी को कि रावण जी को? तो सोचिए ना, अपने तर्क का इस्तेमाल कीजिए ना। और मैं गलत हूं तो मुझे बताइए, मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। मैं प्रधानमंत्री थोड़ी हूं कि कुछ बोलने के चलते आपको जेल में डलवा दूंगा। If you
like our channel, please subscribe. And to get notifications about news, please click the bell icon.